isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man. Hello guys, welcome back to my channel. और आप सब कैसे हो? और कल का व्लॉग आपने मेरा देख ही लिया होगा. मैं गई थी शॉपिंग करने. मैंने आपको बताया था कि मैं न्यू हॉल लेके आऊँगी, जिसमें दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ. तो ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, इतने सारे बैग हैं. तो मैं सबसे पहले ये दिखाऊंगी. लास्ट टाइम हम प्रदीप के साथ शॉपिंग करने के लिए गए थे, तब मैंने कहा था बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, बट उस दिन मुझे कुछ मिला नहीं था, तो सिर्फ इतना ही लेके आई थी शानू के लिए सैंडल. और ये देखिए, ये गोल्डन सैंडल है, क्योंकि उसकी सारी सैंडल बहुत जल्दी जल्दी छोटी हो रही है, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे थे, तो वो वैसी ही छोटी हो गई. अब मैंने पहनाया तो छोटी हो गई. और ये हमें पड़ा 899 का, तो मैं इसको साइड पर रख देती हूँ. और ये लाई थी मैं लाइफ स्टाइल से. और अब मैं दिखाती हूँ आपको पैंटालून्स वाला, जो कल हम लेके आए हैं. सबसे पहले ये निकाल रही हूँ मैं, ये शानू के लिए लाई हूँ मैं 1 पीस. ये देखिए, ये है 1 पीस है शानू के लिए, और इसमें लाइट पिंक कलर का हार्ट बना हुआ है, स्टार बना हुआ है. और ये स्लीव्स हैं, वैसे तो ये विंटर के लिए हैं, बट नेक्स्ट मंथ तक अब स्टार्ट शुरू, मतलब हल्का हल्का विंटर जैसा लग ही रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया. और स्टार्टिंग में तो वो 1 पीस की तरह ही पहनेगी, नीचे कुछ नहीं पहनेगी. अब मैं नीचे के भी लेके आई हूँ. 799 का है ये वाला पीस, और सेम है नानू का भी. ये देखिए, सेम है और बहुत अच्छा पीस है, सॉफ्ट है, चुभने वाला कपड़ा नहीं है. और ये पड़ा था मुझे 899 का, बस उससे 100 रुपीज एक्स्ट्रा थे, क्योंकि ये बड़ा पीस भी तो है ना. ये देखिए, और ये बेल्ट है सिल्वर कलर की, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट पीस है, और दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था. जब भी ये पहनेंगे मैं आपको फोटो जरूर दिखाऊंगी. अब तो व्लॉग बनाऊंगी तो जरूर आपको दिखाऊंगी कि ये वो इसमें कैसे लग रहे थे. और उन लोगों को ना एक जैसी ड्रेस पहनने में ना बहुत मज़ा आता है, और बहुत अच्छा है. वो छोटे से ही ना एक जैसी लगभग लगभग सारी ड्रेसेस वो एक जैसी ही खरीदती हैं. और एक है ये टी शर्ट है पिंक कलर की, और इसमें रेनबो बना हुआ है. ये है शानू के लिए, और ये मुझे पड़ी 299 की. और सेम टी शर्ट है नानू के लिए भी. ये देखिए, दोनों के लिए सेम है, बस साइज का डिफरेंस है. बट मुझे ये दोनों मतलब दोनों टी शर्ट मुझे 299 में मिली है. दोनों का रेट सेम है, 299, मतलब वही 300 की पड़ गई. 299 तो लिख ही देते हैं. और ये है डेनिम की स्कर्ट, ये मैंने लानू के लिए लेके आई हूँ. डेनिम की स्कर्ट है ये, और बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये. ये देखिए, और एडजस्ट भी कर सकते हैं कमर को, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं. ये देखिए, और ये मुझे मिली थी 700 में. और इसके साथ मैंने लिया है एक टॉप पीच कलर का, ये देखिए, और ये सीक्वेंस है, और बच्चों को सीक्वेंस आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो ये देखिए, और शानू ने भी एक ऐसे ही सीक्वेंस वाला टी शर्ट लिया था, वो गलती से वहीं छूट गया, मतलब बिलिंग तो नहीं हुआ लेकिन वो छूट गया, तो मैं लेके नहीं आ पाई वो. नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब लूंगी. और ये साइज है 7-8, और उसे आता है 8-9, बट क्या था ना वो थोड़ी सी पतली है, तो फिर उसे यही वाला साइज आ रहा है. और ये बहुत ही अच्छा है, और उसके ऊपर ना बहुत अच्छा सूट करा था, क्योंकि मैं जो भी ड्रेस लेती हूँ उसके लिए पहले ट्राई करती हूँ कि उसके ऊपर कौन सा सूट कर रहा है.
तभी लेती हूँ, बच्चों को मैं जब तक लेके नहीं जाती ना तो लेना बेकार है मेरे लिए, मुझे फिर रिटर्न करना पड़ता है। कोई सूट करता है कोई सूट नहीं करता, शानू के ऊपर सब कपड़े सूट करते हैं बट नानू को सूट नहीं करते, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको साथ में लेके जाऊँ। और वो जो वन पीस था उसके साथ मैंने ये लेगिंग लिए दोनों के लिए, और ये लेगिंग मुझे पड़ी 229 की, और ये मैंने दोनों के लिए ली है, और जब विंटर्स ज़्यादा होंगी तब मैं इसे पहना सकती हूँ उसके साथ। ये था मेरा पैंटालूंस वाले कपड़े, और अब मैं आपको दिखाती हूँ बिग बाज़ार से मैं क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले मैं लेके आई थी ये बॉटल, बच्चों के लिए वाटर बॉटल है ये, इसमें कलर डिफरेंट आ रहा है, ये लाइट येलो है लेकिन डिफरेंट आ रहा है एकदम। और ये बॉटल मुझे पड़ी 99 की, 199 में दो बॉटल, और बहुत ही अच्छा है, गिर जाए कहीं मतलब बच्चे लोग तो ज़्यादातर गिरा देते हैं बट ये टूटेगा नहीं, बहुत ही सॉफ्ट वाला प्लास्टिक है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो दूसरी बॉटल उठा लेते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, सारी बॉटल इधर इधर इकट्ठा कर देंगे, और जो उनकी पुरानी बॉटल थी वो ख़राब हो गई है तो मैंने इसलिए उनके लिए दो बॉटल लिए हैं। और मैंने लिए हैं उनके लिए शूज, ये देखिए कितने अच्छे शूज हैं ये, ये मैंने लिया है नानू के लिए, और बहुत ही अच्छा है, ग्रे कलर है, और नानू के शूज खराब हो गए थे तो मैंने उसके लिए एक वाइट नीचे वाइट है ऊपर ग्रे कलर है, और उसमें कुछ डस्ट भी होगा तो पोंछ सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला शूज इसलिए मैंने लिया है नानो के लिए। और शानू के लिए मुझे लेना पड़ा क्योंकि उसके शूज सारे छोटे हो गए थे, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी उसके सैंडल शूज छोटे हो रहे हैं। नानू को तो फिर भी अभी आ रहे हैं, उसके पास कुछ नया शूज नहीं था इसलिए मैंने उसके लिए लिया, और सेम लेना था मुझे इसलिए मैंने लिया, और शानू के शूज तो छोटे हो रहे थे इसलिए मैंने लिया है। और ये देखिए यहाँ पर नेट है और इसमें सीक्वेंस वाला काम है, और नेट की वजह से एयर मतलब आर पार हो सकता है तो स्मेल वगैरह आने की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे शूज हैं, और इतने, और इसका रेट है मैं आपको बताती हूँ, इसका रेट है 700, ये 700 का है, दोनों के 700 के हैं, नानू का भी मुझे 700 में पड़ा और शानू का भी मुझे 700 में पड़ा, और मुझे इसके मुकाबले मुझे जो मैं लाइफ स्टाइल से शानू के लिए मैं सैंडल लेके आई वो मुझे महंगा पड़ा 200 रुपये, क्योंकि वो 900 का था, और बिग बाज़ार में ये शूज़ मुझे बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिले तो ये तो ज़रूर लेना बनता था, क्योंकि महंगे शूज़ खरीदेंगे फिर 4-5 महीने के बाद फिर छोटे हो जाते हैं, मेरे तो सारे ऐसे ही हैं, बहुत सारे शूज़ हैं ऐसे छोटे छोटे होते जा रहे हैं, मेरा वेस्ट हो रहे है, तो इसलिए मुझे ये वाले शूज़ अच्छे लगे और रेट भी मुझे रिजनेबल लगा तो अच्छा लगा मुझे। और ये फ्रॉक लिए मैंने नानू के लिए, ये देखिए, और ये मल्टी शेड है पिंक ब्लू, और इसका पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, और एक यहाँ पर फ्लावर है, और ये मैं घर में पहनने के लिए लेके आई हूँ, और ये मुझे 300 रुपये की पड़ी, ये देखिए बहुत अच्छा है, और इस शूज़ के ऊपर भी ये वाली फ्रॉक पहनेगी ना तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं मेरे बच्चे। और मैंने सेम शानू के लिए भी लिया है, ये भी मुझे 300 का ही पड़ा, ये देखिए इसका कलर और पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सब स्किन टोन के बच्चों को अच्छा लगेगा, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा शायद ये कलर उसको अच्छा ना लगे, सबको अच्छा लगेगा, और कितना रिजनेबल प्राइस है, ओनली 300। और ये मैंने अपने लिए लिया है,
दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही अच्छा नाइट ड्रेस लिया है मैंने, ये देखिए, ये है नाइट ड्रेस, ये देखिए। और ये पूरा लॉन्ग है और पीच कलर का है, और आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं आप इसे। और ये पूरा लॉन्ग है, अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है ऐसा पहनने में तो आप इसके ऊपर ये वाली टॉप भी पहन सकते हैं जो उसके साथ है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने लिया, क्योंकि कभी कभी हमें गेट खोलना पड़ता है, घर के बाहर निकलना पड़ता है, तो मैं इसे पहन के बाहर भी निकल सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिया। और मैंने लिया एक छोटे से बेबी के लिए कुछ, जो हमारे घर में नया आया है, ये देखिए, मैंने एक छोटू से बेबी के लिए लिया है, उसका नाम है नीरव, ये मैंने लिया नीरव के लिए। और उसके साथ है ये पैंट, और ये विंटर और समर में दोनों में चलेगा, और फुल स्लीव्स है क्योंकि अब जो मौसम आने वाला है उसके लिए एकदम परफेक्ट है, और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट है, और कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट है, और उसके साथ है ये पैंट, कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा ना मुझे इसका कलर अच्छा लगा, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, नीरव के लिए ये मौसी लेके आई है। और नीरव के लिए मैंने एक और लिया है, ये देखिए, ये देखिए, ये लिया मैंने वन पीस, और ये बच्चों को ना बहुत कंफर्टेबल होता है। ये देखिए, यहाँ पर बटन्स हैं, हुक्स हैं, और कलर एकदम अच्छा है, कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है कपड़ा भी, और मुझे कलर बहुत अच्छा लगा। और कलर ना दोनों का सेम जैसे ही है, लेकिन मुझे कलर बहुत अच्छे लगे बेबी के लिए, और बेबी इसमें बहुत क्यूट लगने वाला है। और जब भी मिलेगा, जब मैं लेके जाऊंगी ये कपड़े, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने ना उसके लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया था, और जब प्रदीप आए थे, प्रदीप उसके लिए ये कपड़े सब लेके जाने वाले थे, मैंने सोचा था मैं भिजवा दूंगी प्रदीप के साथ कपड़े, बट मैंने जो ऑर्डर किया था वो टाइम से नहीं आया, तो फिर मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल करके मैं ये कल फिर अपने आप जाके मॉल से मैंने लिए। और उसके बाद मैंने एक वाटरप्रूफ ये बैग लिया है, ये देखिए, ये मुझे 150 रुपये का पड़ा, और क्योंकि जब भी हम मॉल जाते हैं ना, ऐसे ये जो बैग है ये मुझे पता है 6 रुपये का मिला ये वाला बैग, और ये शायद 8 रुपये का होगा, तो पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ना ये कैरी बैग लिया है कि मैं पर्स में भी डालूं, कहीं भी छोटा सा तो हो जाता है, तो एकदम ठीक है उसके लिए, क्योंकि बार बार पैसे वेस्ट करना बेकार है, वो भी इस कागज़ के बैग के लिए। और मैंने एक और चीज़ ली है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने अपने लिए ली है, ये देखो एलिफेंट बना हुआ है, और ये कड़े हैं, 3 पीस है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मैं लाई हूँ करवा चौथ के लिए, मैं करवा चौथ में पहनूंगी इसे, और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, कलर कितना अच्छा है ना, एकदम रेडिश। और इसको आप ना किसी भी ड्रेस में पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एकदम रेड हो तो रेडी में पहन सकते हैं, आप कोई भी ड्रेस में पहनोगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर आपको ये कड़ा नहीं पहनना है तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो चूड़ियों के साथ। सॉरी, ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, पैसा वसूल है ये देखो, आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो, या फिर इसको अगर आपको और हैवी बनाना हो तो आप चूड़ियाँ भी डाल सकते हो इसके अंदर। मेरे पास ना चूड़ियाँ बहुत सारी हैं, मुझे चूड़ियों का बहुत शौक है, बट मैं पहन नहीं सकती, देखा है, मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है,
बट फंक्शन में या किस भी मतलब पूजा वूजा होता है, तीज वीज होता है, तब मैं जरूर पहनती हूँ, तो मैं हमेशा लेके रखती हूँ। तो मुझे ये मैंने करवा चौथ के लिए लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका प्राइस था 300, और अगर मॉल से लेती तो ये मुझे 1,000 रुपये से नीचे के नहीं पड़ते। ये मैंने स्टॉल जहाँ से मैंने टैब लिया था नानू का, वहाँ पर स्टॉल लगते हैं, अच्छा मार्केट है, तो मैंने वहीं से लिए, तो ये मुझे 300 में पड़े। बस इतनी ही शॉपिंग करी मैंने। अगर आपको कुछ लेना हो तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा बिग बाजार वाला शॉपिंग अच्छा लगा हो तो आप बिग बाजार से, अगर आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोई सेल वेल नहीं लगा है, सब फ्रेश में ही लिया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना मेरे चैनल को। बाय, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।